गाइस, कल मैं ओपनहाइमर देख के आया एनाइमर से। ये मूवी एक बॉम्ब है, हालांकि ये मूवी बॉम्ब के ऊपर है कि बॉम्ब बनाने वाले के ऊपर है, बट नोलन ने कह दिखाया एक बॉम्ब के ऊपर मूवी में बॉम्ब के जैसे एक्टर्स एक्टर और एक्ट्रेस को यूज़ करके दो साथ एक साथ दो दो बम फोड़ दिए। मैं इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री रखने वाला हूँ, इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला है। तो अगर आपने ओपनहाइमर नहीं देखा है तो भी आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो। एंड आई मस्ट से कि अगर आपने ओपनहाइमर नहीं देखा है, यू आर मिसिंग अ लॉट। आप इसको बड़े से बड़े स्क्रीन पे देखने की कोशिश करो, बिकॉज इसका एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल है। IMAX में देखो, 3D पे देखो, या जो भी आपको ऑफर किया जा रहा है, बेस्ट सबसे बेस्ट, भले ही पैसे ज़्यादा लगे, बट आई मस्ट से कि आपको एक एक ना एक बार ये मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहिए था, बिकॉज इसका लेवल ना वो एंड गेम का लेवल के जैसा है। बिकॉज देखो, क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को बनाया है, एंड गेम में जो हमको एक हाइप बना हुआ था ना, वो इसका तो नहीं बना था, बट इसका जो आउटकम है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को एंड गेम के ज़्यादा लगा। तो अगर आप इस मूवी को नहीं देखे हो तो अपने दोस्तों के साथ जाके इस मूवी को देखो, या अपने फ्रेंड्स के साथ देखो, बट वंस इन ए लाइफ टाइम ये मूवी को बड़े स्क्रीन में जरूर देखना। और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो आपको अपने दिल आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी से, और आपको क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग जो मेरे अगल बगल में थे, हालांकि वो सोए नहीं, बट कुछ लोग शायद बोर हो गए, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस उनका अनरियलिस्टिक था और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। देखो, ये एक बायोपिक है ओपन हैमर के ऊपर में, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोला जाता है। और ये साइंटिस्ट लोग मिल के एटॉमिक बम का निर्माण किए थे। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है, हमको बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाया जाएगा कि ओपन हैमर को किस तरह से फंसाया गया था, और ओपन हैमर के अपने पर्सनल ओपिनियंस जो है उसको ज़्यादा एक्सप्रेस कर देना, मतलब ज़्यादा टॉकेटिव होने के वजह से, ज़्यादा कॉन्वो पर्सन होने के वजह से किस तरह इनके अगेंस्ट यूज़ किया गया था, इस मूवी में दिखाया गया है। और मैं बताऊँ, ये मूवी को अगर आप ये सोच के जाओगे, जैसे कि मेरे बगल वाले एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे कि ये ओपन हैमर के ऊपर में है, जिनको देश का गद्दार बचाया बताया जाएगा, तो हमको यहाँ पर थोड़ा एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा जो कि एक बायोपिक में ये नहीं मिलता। तो वो जो लोग गए थे एक्सपेक्टेशंस लेके कि हमको इसमें एक्शन देखने को मिलेगा, और मैं बता देता हूँ, लोग हरामी भी है। तो लोगों को ये मालूम था कि न्यूड सीन है, इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वो सीन देखने के लिए गए थे, बट लेट मी टेल यू, चूचे नहीं दिखाए गए। जो बॉम्ब को डिटोनेट किया गया पहली बार, एटम बम को, वो सीन तो भाई गूस बम्स दे देती है। मैंने उसको अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया है, बट मैं अनफॉर्चुनेटली आपको वो क्लिप नहीं दिखा सकता, बिकॉज यूट्यूब का कम्युनिटी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगा, वीडियो भी टेक डाउन हो जाएगा, और हो सकता है कि मेरा चैनल पे अपलोड भी 7 दिन के लिए बंद हो जाए। तो प्लीज़ मेरे को फोर्स मत करना वो क्लिप को अपलोड करने के लिए। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मूवी में जब बॉम्ब को डिटोनेट किया गया, तो वो एक्सपीरियंस, जो म्यूजिक चॉइसेस, जो म्यूजिक स्कोर्स यूज़ किए गए थे, और जो इफेक्ट यूज़ किए गए थे, अगर आप पूरे हॉल के बीच में बैठे होगे तो यू कैन लिटरली फील द एनर्जी। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आपके आंख के सामने बबूटा है। जगह सेटअप किया गया था और एक रियल एटॉमिक बम को फोड़ा गया था इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए। हालांकि उस सीन को रिकॉर्ड करने के टाइम में कुछ कमी अब पड़ गई थी, बिकॉज एटॉमिक बॉम्ब के सामने ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते, तो जितना बड़ा लेंस लगा सकते थे क्रिस्टोफर नोलन ने लगाया और उसको कैप्चर करने की कोशिश की, बट भाई मैं बता दूँ, ये रियल एक्सपीरियंस देता है। बैड थिंग अबाउट दिस मूवी इज कि ये 3 घंटा लॉन्ग है। कुछ लोगों को 3 घंटा बैठना थोड़ा सही नहीं लगेगा, हालांकि मेरे को भी सुसु आ गई थी, बट क्योंकि मैं डाई हार्ड मूवी फैन हूँ, तो मैंने अपने उस सुसु के जरूरत को, मतलब नेचर के कॉल को थोड़ा अनहेंसे किया और मैं बैठा रहा। 1.5 घंटे के बाद मैं मुड़ता हूँ, वापस आता हूँ, एंड अनदर 1.5 घंटा मेरे को देखने को मिला, टोटल 3 घंटा मूवी का। और भाई मैं बता देता हूँ, ये मूवी में कहीं भी आपको बोर नहीं करेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी को ज़बरदस्ती लंबा किया जा रहा है, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी में ज़बरदस्ती के म्यूजिक ऐड किए जा रहे हैं बाकी मूवीज की तरह। एंड टू बी ऑनेस्ट,
ये ओवरऑल बहुत अच्छा मूवी एक्सपीरियंस है। एंड आई विल अगेन सजेस्ट यू कि जितना बड़ा एक्सपीरियंस करना चाहो, अगर एक सीन को छोड़ के अगर तुम अपने फैमिली के साथ देखने का थोड़ा हिम्मत रखते हो तो अपने फैमिली के साथ जाओ, वरना अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, कोई बात नहीं। मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, छोड़ो यार, क्या बात कर रहा हूँ मैं। नोलन ने कह दिखाया।